गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी ड्रग्स क्या होती है, ड्रग्स को देने से पहले हमें किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और इन ड्रग्स के हमारे बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो एज ए नर्स जब आप पेशेंट की केयर कर रहे हैं या किसी वार्ड में आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो एज ए नर्स आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। साथ ही साथ में सेकेंडरी हमारा काम क्या होता है कि जो भी फिजिशियन के द्वारा ऑर्डर मेडिकेशंस है वो पेशेंट को देना, ठीक है। तो जब हम पेशेंट को मेडिसिन देने जा रहे हैं उससे पहले ड्रग्स की थोड़ी थ्योरी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आप लोग को यही बताऊँगी कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो ड्रग के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट जब हम ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा कि ड्रग्स होती क्या है। तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट आर ड्रग्स, ड्रग्स क्या होती है। तो ड्रग्स क्या है, अगर हमें इसे डिफाइन करना हो, किसी को बताना हो कि ड्रग्स क्या होती है, तो ड्रग्स क्या है, दे आर नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंसेस। ड्रग्स क्या होती हैं, ड्रग ही नेचुरल और सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो इसमें एक नेचुरल दिया है, एक सिंथेटिक दिया है। तो नेचुरल का क्या मतलब है, जब ड्रग्स हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल चीज़ों से, जैसे नेचुरल क्या हो गया, प्लांट्स हैं, है ना, एनिमल्स हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट करके जो हम ड्रग्स बनाते हैं वो होंगी नेचुरल, ओके। नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक केमिकल्स। सिंथेटिक केमिकल्स जैसे नेम से समझ आ रहा है, सिंथेटिक चीज़ें मिस किया, उसमें मिक्सअप हो गया। लेबोरेटरी में हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, देन उसके बाद जो हम एक ड्रग प्रिपेयर करते हैं वो क्या होगी, केमिकल सब्सटेंसेस। तो ड्रग नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिकल या सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है। और ये क्या इफेक्ट करता है हमारे बॉडी सिस्टम को एज वेल एज हमारे बिहेवियर को। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की नीड, पेशेंट के अगर बॉडी सिस्टम अफेक्टेड है, बॉडी सिस्टम क्या हो गया, जैसे पेशेंट को हेडेक है, पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए जो हम मेडिसिन देंगे वो हमारे बॉडी के सिस्टम में इफेक्ट करेगी और हमारे बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं उनमें इफेक्ट करेगी। सेकेंड वन हो गया, अगर किसी पेशेंट को उसके फीलिंग्स के रिलेटेड, उसके बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर पेशेंट को एंजाइटी है तो हम एंटी एंजाइटिक ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो जो एंटी एंजाइटिक ड्रग्स हैं वो क्या करेंगे, पेशेंट के एंजाइटी लेवल को कम करती है, एंजाइटी लेवल कम करेगी या मिनिमाइज़ करेगी, और इस तरीके से पेशेंट का बिहेवियर मॉडिफिकेशन होगा और जो पेशेंट की फीलिंग्स होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स और हम क्या बोल सकते हैं कि ड्रग क्या है, एनी सब्सटेंस अदर देन फूड विच इज़ यूज इन द प्रिवेंशन डायग्नोसिस ऑल एविएशन और ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़। तो ड्रग्स को हम अगर हम कोरिलेट करके सब बातों को कोरिलेट करें तो हम क्या कह सकते हैं, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है अदर देन फूड, ठीक है, फूड नहीं है बट इसको हम लेते हैं, तो अदर देन फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो किस में यूजफुल है, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ और इट्स ट्रीटमेंट। तो जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन मीन्स पहले, बिफोर अक्रेंस ऑफ डिजीज़, डिजीज़ होने से पहले हम क्या देते हैं, लाइक वैक्सीनेशन, जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन हम करते हैं, बचपन से हम वैक्सीन उनको दे देते हैं ताकि फ्यूचर में उनको वो बीमारी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट वन हो गया डायग्नोसिस। डायग्नोसिस है कि कन्फर्मेशन ऑफ डिजीज़, पेशेंट की डिजीज़ को कन्फर्म करने के लिए कि पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, लाइक जैसे ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्यूबरक्लिन यूज़ करते हैं, है ना। तो उससे हमें पता चल जाता है, उन टेस्ट से हमें पता चलता है कि पेशेंट को कहीं ट्यूबरक्लोसिस तो या नहीं, तो कन्फर्मेशन के लिए भी हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। सेकंड वन इज एविएशन और ट्रीटमेंट। अब पेशेंट को ऑलरेडी डायग्नोसिस हो चुकी है, पेशेंट को ये बीमारी है, देन उसके बाद हम पेशेंट के बीमारी के बेस पे, पेशेंट को क्या डिजीज कंडीशन है उसके बेस पे हम पेशेंट का जो ऑनगोइंग ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो क्या होती हैं, ड्रग्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ड्रग्स के नेम्स में। जनरली जब भी तुम कोई मेडिसिन देखोगे उसमें जनरली तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो भी मेडिसिन है उसमें तीन उसके नेम होते हैं, जैसे हमारा नेम होता है, जैसे जो भी हमारा नेम है उसके बाद हमारा सर नेम होता है, है ना। तो इसी तरीके से कोई एक ड्रग है तो उसके तीन नेम है उसमें। सबसे पहले हो गया जेनेटिक नेम ऑफ द ड्रग, सेकेंड वन इज़ द ट्रेड नेम, एंड थर्ड वन द केमिकल नेम। अब तुम इन तीनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो क्या डिफ्रेंशिएशन में मेन है जो जेनेरिक नेम है। जेनेरिक नेम मीन्स हो गया कि सबसे पहले जिसने इस ड्रग को बनाया था उसने जो नाम इसको दिया था,
ठीक है। तो जेनेरिक नेम क्या होगा, गिवन जेनेरिक नेम इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर हु फर्स्ट डेवलप द ड्रग एंड दिस नेम इज ऑल्सो अग्रीड बाय द WHO, तो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये अप्रूव्ड है। और ये नेम जब एक बार दे चुका है तो अगर किसी भी कंपनी ने ये ड्रग बनाई, वो पर्टिकुलर जेनेरिक नेम उस ड्रग का उस पर मैंशन हो गया ही होगा। कोई भी कंपनी उसे मैन्युफैक्चर करे, कोई भी उसका केमिकल कंपोजिशन हो, बट जेनेरिक नेम विल बी सेम। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ अ ट्रेड नेम। ट्रेड नेम मीन्स क्या हो गया, ट्रेड जैसे कंपनी, कौन सी कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रही है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, तो कंपनीज क्या होती है अपने बेस पे नाम दे देती है, तो वो क्या होगा, हमारा ट्रेड नेम हो गया। देन केमिकल नेम, केमिकल नेम हो गया केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ड्रग, है ना, कि वो ड्रग किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, वो क्या हो जाएगा केमिकल नेम ऑफ द ड्रग। फॉर एग्जाम्पल हम पैरासीटामोल का एग्जाम्पल लेंगे, जब तुम पैरासीटामोल को देखोगे, उसके रैपर को देखोगे, उसमें तीन नेम दिए होंगे, है ना। पीछे एक तो फ्रंट में उसके रैपर में उसमें नाम होगा, जैसे पैरासीटामोल है वो उसका जो जेनेरिक नेम है वो है पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन। पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन, हर एक पैरासीटामोल की जो टैबलेट होती है, पैरासीटामोल का जो रैपर होगा, हर एक कोई भी कंपनी उसको दे रही है, कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, ये नेम तुम्हें हर एक पैरासीटामोल की टैबलेट में मिलेगा। ठीक है, सेकेंड नेम हो गया ट्रेड नेम। अब ट्रेड नेम जैसे एक कंपनी है टाइलिनॉल इसने बनाया है, तो अपने अकॉर्डिंग वो अपना नाम दे देगी। एंड थर्ड वन हो गया केमिकल नेम, जो केमिकल नेम है कि किससे मिलकर बन रही है। सपोज जो ये है एसिटामिनोफेन, उसका केमिकल नेम है एन एसिटाइल पी अमिनोफिनिनोल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जेनेरिक नेम, ट्रेड नेम और केमिकल नेम। और एक मेजर डिफरेंस क्या है कि जो ट्रेड नेम होते हैं वो हमेशा कैपिटलाइज होते हैं, है ना। जो ट्रेड नेम होगा वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, वेरे जो जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटलाइज नहीं होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन है पर्पस एंड यूजेस, क्यों हम मेडिसिन दे रहे हैं पर्सन को, क्यों हमें ज़रूरत है दवाइयाँ देने की। तो सबसे पहले इसका पर्पस है डायग्नोस्टिक पर्पस। जैसे डेफिनेशन में मैंने बताया था, डायग्नोसिस पर्पस मींस कंफर्मेशन ऑफ डिजीज़ के लिए हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो ड्रग्स को हम एज अ डायग्नोस्टिक टूल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोफाइल एक्सिस। प्रोफाइल एक्सिस का मीनिंग है प्रिवेंशन, तो डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी हम ड्रग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वही वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट वन है क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मीन्स हो गया ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब डिजीज़ हो चुकी है पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी उसको ड्रग्स दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, वो क्या होगा क्यूरेटिव पर्पस ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट वन इज़ इन्हांसमेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ। इन्हांसमेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ मीन्स पेशेंट की हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा करना है, या पेशेंट की जो भी हेल्थ है उसको और ज़्यादा इन्हांस करना है। जैसे हम देते हैं ना विटामिन देते हैं, विटामिन डी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स देते हैं, तो ये क्या काम करती हैं, जैसे आयरन फॉलिक एसिड हो गया, ये हमारी हेल्थ को इन्हांसमेंट करती है, हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा बनाती है। तो पर्पस इन ड्रग्स का क्या है, हमारी हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा बनाना है। तो बेसिक चार पर्पस एंड यूजेज ड्रग्स के, सबसे फर्स्ट वन क्या हो गया इन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स या इन कन्फर्मेशन ऑफ द डिजीज़। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोफाइल एक्सिस और प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, डिजीज़ के बचाव में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन हो गया क्रिएटिव या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। डिजीज़ अब पेशेंट हो चुकी है तो उस डिजीज़ को फर्दर कॉम्प्लिकेट होने से रोकने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन हो गया एनहांसमेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ, हमारी जो हेल्थ है उसको और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए भी हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं। समझ आए। अब नेक्स्ट वन है स्टोरेज ऑफ द मेडिकेशन। एज अ नर्स तुम किसी वार्ड में अगर काम कर रहे हो, तो एज अ नर्स तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रग्स को हम कहाँ कहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर हम किसी एक वार्ड की बात करें तो जनरली, या हम जनरली हम घर पे भी हैं, तो हम क्या एडवाइस करेंगे किसी को, कोई मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो उनसे हम बोलते हैं, या मेडिसिन के जो रैपर होते हैं उनमें भी लिखा होता है कि इट शुड बी स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। तो हमेशा जो भी दवाइयाँ उनको मॉइस्चर में नहीं रखना है, ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना है, है ना। तो जनरली जो ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, वो कहाँ पे स्टोर करनी चाहिए, कूल एंड ड्राई प्लेसेस में। ठीक है, अगर वार्ड की हम बात करें तो कैबिनेट्स हो गया, जो मेडिकेशन कार्ड्स हो गया, फ्रिजेस हो गया, उनमें हम वार्ड्स में मेडिसिन को स्टोर करके रखते हैं। अब नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, तो हम किन किन चीज़ों का, किन किन सिद्धांतों को हमें फॉलो करना है,
इसके अंदर जनरल दो चीज़ें आती हैं. सबसे वन है इट इंक्लूड्स 3 checks and 10 rights ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अंदर 3 check आते हैं, ठीक है. 3 checks मीन्स हो गया कि 3 checks कब होगा कि जब हम मेडिसिन को कंटेनर में देखने जा रहे हैं किस कंटेनर में मेडिसिन है. सेकेंड वन हो गया जब हम कंटेनर से मेडिसिन निकाल रहे हैं और जब हम कंटेनर में दोबारा से मेडिसिन रख रहे हैं, है ना. तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, कहाँ से हम मेडिसिन, किस कंटेनर से हमें मेडिसिन निकालनी है, कौन सी मेडिसिन हमें निकालनी है, और जब हम रिप्लेस कर रहे हैं उस मेडिसिन को वापस उस कंटेनर में, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि जहाँ से हमने निकाला है उसी जगह पर हमें उसको वापस रखना है, ठीक है. नेक्स्ट वन है राइट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, कि एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जनरल राइट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का. तो सबसे पहले क्या है, अगर तुम्हें मेडिसिन देनी है तो हम ऑब्वियसली पेशेंट को देंगे. तो सबसे फर्स्ट राइट क्या है, राइट पेशेंट. हमें पता होना चाहिए कि हमें किस पेशेंट को दवाई देनी है या किस पेशेंट को मेडिसिन देनी है. तो राइट पेशेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वी विल सी दी नेम ऑफ द पेशेंट इन फाइल, देन हम बोलेंगे, है ना. हम बोलेंगे कि ये जैसे पर्टिकुलर किसी का नाम राम है, तो अगर राम को हमने दवाई देनी है तो पेशेंट का नेम हम फाइल में अच्छे से पढ़ेंगे, देन क्रॉस चेक करने के लिए फिर हम नाम लेके बुलाएंगे कि राम कौन है. पेशेंट की आवाज़ आती है, जिसका भी नाम राम होगा वो हमें रिप्लाई करेगा. तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे हमारा पेशेंट फर्स्ट. सेकेंड वन हो गया राइट ड्रग. अब हमें सेकेंडली हमें क्या पता होना, हमें पेशेंट पता चल गया. सेकेंड थिंग हमें पता होना चाहिए कौन सी ड्रग हमें पेशेंट को देनी है, ठीक है. नेक्स्ट वन है राइट डोज. अब ड्रग हमें पता चल गई, उस ड्रग का डोज कितना हमें पेशेंट को देना है, कितने अमाउंट में पेशेंट को देनी है, 500 mg देनी है, 50 mg देनी है, 100 mg देनी है, जो भी हो गया ड्रग कैलकुलेट करके हम पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें डोज उसमें मेंशन है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है रूट. ड्रग का रूट क्या होना चाहिए, कि हमें पेशेंट को ओरली देनी है वो ड्रग, IM इंजेक्शन के थ्रू देनी है, IV के थ्रू देनी है, या इंट्राडर्मल देनी है. तो क्या रूट है, जो भी रूट होगा पेशेंट की फाइल में मेंशन होगा ड्रग के आगे, तो वो हमें ध्यान देना और हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट हो गया राइट टाइम. राइट टाइम क्या है कि पेशेंट को हमें सही टाइम पे मेडिसिन देनी है. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर एक मेडिसिन का क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने ही टाइम ड्यूरेशन में वो अपना इफेक्ट शो करेगी. अगर उस मेडिसिन का हमने टाइम को मेंटेन नहीं करा तो इससे मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, वो मेडिसिन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, तो पेशेंट की रिकवरी में भी और ज़्यादा लेट हो सकता है. तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि जिस टाइम पे भी हमें पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं आज, उसी टाइम पे हमें कल भी देनी है, ठीक है. तो टाइम के लिए जनरली एब्रिवेशन उसमें लिखा होगा, BD है, TID है. दिन में 2 बार देनी है, 1 बार देनी है, या जब ज़रूरत है तब देनी है. तो ये सारे एब्रिवेशंस के हमें नॉलेज होनी चाहिए. तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि राइट टाइम पे हमें पेशेंट को हमेशा मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है. नेक्स्ट वन है राइट ऑफ क्लाइंट एजुकेशन. राइट ऑफ क्लाइंट एजुकेशन क्या है, कि एज अ नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कभी भी हम पेशेंट को कोई केयर करने जा रहे हैं या कोई भी मेडिसिन हमें पेशेंट को देने जा रहे हैं, तो पेशेंट को उस चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, है ना. पेशेंट ने हमसे पूछा कि मैं भी किस चीज़ की दवाई आएँ, तो हमें उसके बारे में पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए, और इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है कि पेशेंट उस चीज़ को समझ जाए और उस पेशेंट मेडिसिन लेने के लिए अग्री हो जाए. तो पेशेंट को पूरा हमें सब कुछ बताना है, एजुकेट करना है कि वो मेडिसिन क्या है, उस मेडिसिन की क्या इंपॉर्टेंस है, सही टाइम पर अगर पेशेंट लेगा तो इससे जल्दी ठीक हो जाएगा. तो इन सारी चीज़ों का हमको ध्यान देना है, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, राइट ऑफ क्लाइंट एजुकेशन. नेक्स्ट वन है राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकेशन. अब एक और राइट है कि पेशेंट का ये राइट है कि वो मेडिसिन को रिफ्यूज़ कर सकता है, बट एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई पेशेंट मेडिसिन लेने के लिए मना कर रहे हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट को बताना कि जैसे अगर वो मेडिसिन नहीं लेगा तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो इसके क्या बेनिफिट्स पेशेंट को होंगे. तो हमें पेशेंट को मेडिसिन के बेनिफिट्स बताने कि जितना सही टाइम पे पेशेंट दवाइयाँ लेगा उससे ही पेशेंट जल्दी से जल्दी सही होगा, रिकवर होगा और अपने घर को वापस जा सकता है. नेक्स्ट वन है राइट असेसमेंट. राइट असेसमेंट में क्या कि किसी किसी ड्रग में क्या होता है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे मोस्ट ऑफ ड्रग्स में हमें बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट का कंप्लीट असेसमेंट करना है. सपोज़ अगर हम कोई एंटीपायरेटिक ड्रग भी पेशेंट को देने जा रहे हैं तो ड्रग देने से पहले हमें पेशेंट का फीवर चेक करना है, है ना. क्यों करना है, कि लास्ट में हम फिर से इवेलुएट करेंगे कि पेशेंट को हमने ये मेडिसिन दी थी,
है ना, पेशेंट का फीवर है, पेशेंट को मेडिसिन दी, देन उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं कि ये मेडिसिन देने के बाद पेशेंट का फीवर कम हुआ है या नहीं, या पेशेंट का जो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर है वो कम हुआ है या नहीं। तो इसलिए राइट असिस्मेंट की भी ज़रूरत है बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट है राइट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मीन्स क्या हो गया, अब हमने पेशेंट को ड्रग दे चुके हैं, मेडिसिन दे चुके हैं, तो उसका राइट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि हमें कौन सी ड्रग पेशेंट को दी थी, रिटन फॉर्म में होना चाहिए, है ना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई भी चीज़ ऐसी दिक्कत होती तो हमारे पास एक रिटर्न में रहेगा कि हाँ हमने पेशेंट को सही टाइम पर मेडिसिन दे दी थी और इसका जो भी अमाउंट प्रिस्क्राइब था फिजिशियन के द्वारा वो हमने पेशेंट को दे दिया है। तो डॉक्यूमेंटेशन हमेशा क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन आपने दी है, कितने अमाउंट में दी है, क्या रूट था उस मेडिकेशन का, ये सब कुछ आपका रिटर्न में मेंशन होना चाहिए पेशेंट के फाइल में। नेक्स्ट वन है राइट इवेल्युएशन। अब राइट इवेल्युएशन क्या है, एज अ नर्सिंग केयर में भी आपने पढ़ा है कि जब हम नर्सिंग केयर प्लान पढ़ते हैं तो नर्सिंग जो प्रोसेस है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जब भी हमने पेशेंट को कोई केयर दी है तो उसका लास्ट में हमें इवेल्युएशन करना है ना। जैसे कोई भी हम चीज़ें करते हैं, कोई भी हम जैसे बच्चों के हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, है ना, तो जब बच्चों के पढ़ाते हैं पूरे साल भर तो उनका इवेल्युएशन किसके थ्रू करते हैं, मार्कशीट, उनके एग्ज़ाम लेके, एग्ज़ाम कंडक्ट करा के कि बच्चों ने कितनी पढ़ाई की है। तो इसी तरीके से हमने जब हम पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं उसके बाद हमें पेशेंट का राइट इवेल्युएशन भी होना चाहिए कि जो भी हमने ड्रग पेशेंट को प्रोवाइड की थी वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, जितने भी अमाउंट में हम ड्रग दी है वो पेशेंट की बॉडी के लिए इफ़ेक्टिव हो रही है या नहीं, उन सभी का हमें इवेल्युएशन करना है, या पेशेंट को उस मेडिसिन से कोई भी साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहे, उन सब चीज़ों का हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्या थे 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या क्या थे, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट टू क्लाइंट एजुकेशन, राइट टू रिफ्यूज मेडिकेशन, राइट असिस्मेंट, राइट डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट वैल्यूएशन। नेक्स्ट नाउ ड्रग फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या है कि हर एक जो मेडिसिन से अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है ना, द मेडिकेशंस आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, द फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन डिटरमाइंस इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि हमें मेडिसिन को किस रूट के थ्रू देना है, ओरली देना है ना, आई एम इंजेक्शन के थ्रू देना है, आई वी के थ्रू देना है, या हमें स्किन में अप्लाई करना है, तो जो फॉर्म्स है ड्रग के वो भी हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहला है टैबलेट्स। बहुत सारी मेडिसिंस क्या होती है, टैबलेट फॉर्म में होती है। टैबलेट क्या है, जनरली पाउडर है जिसको एक सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है ना। तो टैबलेट्स हम सब, आप सभी लोगों ने देखी होंगी, टैबलेट्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड डिस्क या सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। और जनरली जो टैबलेट्स होती हैं हम उनको कैसे लेते हैं, ओरल रूट के थ्रू। नेक्स्ट वन है कैप्सूल। इन सभी का डिफरेंशिएशन पिक्चर्स में दिया है, तो पिक्चर्स में आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो कैप्सूल्स क्या हैं, कैप्सूल का साइज थोड़ा लॉन्गर होता है और इनके बाहर से जिलेटिन शेल होती है, और कैप्सूल्स को भी हम लोग क्या करते हैं, ओरली इनटेक करते हैं। नेक्स्ट वन है जेल और जेली। तो जेली जो है, आप सभी को पता है कि जेली को हम लोग को क्या करना है, टॉपिकली स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। तो जेली की अपनी एक क्या होती है, करेक्टरिस्टिक्स है कि अगर हम इसको अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये इजीली खुद ही क्या होती है, लिक्विफाई हो जाती है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में। नेक्स्ट है लोजेंस। लोजेंस क्या है, लोजेंस ये हमारे बॉडी के, लोजेंस भी एक टाइप की क्या है, मेडिसिन ड्रग होती है ना। लोजेंस एक ड्रग है जो हमारे बॉडी के, जब हम माउथ में हम इसको लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, इसको हमें च्यूइंग करने की ज़रूरत नहीं है, स्वॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इनको जब हम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हम अपने मुँह में लेंगे तो ये ईजिली क्या होती है, बॉडी के टेम्परेचर में आने के बाद खुद ही डिसॉल्व हो जाती है, इनको च्यूइंग भी नहीं करना है और इन्हें स्वॉलो भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन है लोशन। लोशन क्या होता है, ड्रग पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन फॉर टॉपिकल यूज। लोशंस भी क्या होते हैं, हम टॉपिकल यूज़ के लिए, स्किन में लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट भी सेम होते हैं लोशन के जैसे, बट इसमें क्या डिफरेंस है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है जिसके अंदर ड्रग्स होती है और इनको हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है पाउडर। जैसे पाउडर टैबलेट्स होती हैं हार्ड सॉलिड फॉर्म में, और जो पाउडर हो गया फ्री फॉर्म में होगा, है ना, ये भी सिंगल और मिक्सचर ऑफ फाइनली ग्राउंडेड ड्रग्स। जो पाउडर होता है उसमें भी या एक सिंगल ड्रग होगी या उसमें मिक्सचर ऑफ बहुत सारी ड्रग्स का मिक्सअप होगा। नेक्स्ट वन है सॉल्यूशंस।
सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ड्रग डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशंस होते हैं जनरली आईएम इंजेक्शन हम जो देते हैं, आईवी इंजेक्शन जो देते हैं, वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या होता है, एक ड्रग होकर दूसरे ड्रग में, जो केमिकल कंपोजिशन ड्रग होता है ना, ड्रग्स सिंथेटिक्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनी, तो वो सब चीज़ें आपस में डिसॉल्व होकर एक सॉल्यूशन बनाती हैं। तो जो सॉल्यूशंस है जनरली हम आईएम के थ्रू, आईवी के थ्रू, जो इंट्राडर्मल, इन सभी रूट्स के थ्रू हम लोग, जो पेरेंटल रूट है उसके थ्रू हम लोग पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट वन है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन वी है फाइनली डिवाइडेड अनडिसॉल्व पार्टिकल्स इन ए लिक्विड मीडियम शुड बी शेकन बिफोर यूज। सस्पेंशन का मैं हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी हम सस्पेंशन लेंगे, ये भी ओरल रूट के थ्रू लेते हैं, हमें इसे शेक करना है। जो बॉटल होती है उसमें लिक्विड है और उसमें पार्टिकल्स भी, तो उसको शेक करना है ताकि वो आपस में मिक्सअप हो जाए, देन ही हम उसका इंटेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिरप। अब सिरप क्या है, सिरप भी लिक्विड है, इसको भी हम ओरली लेते हैं। सिरप का कॉम्बिनेशन है वाटर एंड शुगर सोल्यूशन। हर एक सिरप क्या होती है, मीठी होती है ना, तो सिरप में क्या होता है, शुगर होता है। सिरप भी हम लोग ओरली लेते हैं। नेक्स्ट है सपोजिट्री। सपोजिट्री क्या होती है, सपोजिट्री मेल्टेड मेडिकेशन है, जो हमारी बॉडी के जब कॉन्टैक्ट में आती है ये भी ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाती है। जो ठीक है, सपोजिट्री हो गया। सपोजिट्री जनरली क्या होती है, हम बॉडी की जो ओपनिंग है लाइक रेक्टम, वजाइना और यूरेथ्रा के थ्रू जो भी हम मेडिसिन देते हैं वो हम डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं। इसका शेप भी आप लोग देख सकते हैं, है ना, तो इसको इजीली हम इंसर्ट कर सकते हैं। और जब हम इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, जो ओपनिंग है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वहाँ पर मेल्ट करती है और अपने एक्शन को शो करती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट है ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल पैच क्या है, ट्रांसडर्मल पैच में जैसे पिक्चर में दिख रहा है, इसमें पैचेस होते हैं, ठीक है, पैच फॉर्म में आता है, तो इसको हमें डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करना होता है ना। स्किन के ऊपर हम जैसे इसको लगाएंगे तो ये क्या करता है, स्किन के अंदर डिफ्यूज़ हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, है ना। स्किन के ऊपर हम इसको लगाएंगे, स्किन के साथ साथ जो हमारी ब्लड स्ट्रीम है, जो हमारे ब्लड है उसमें भी ये इजीली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, दीज ऑल आर दी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दी ड्रग्स। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। अब देयर आर अ नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग, दो एज अ तुम्हें क्या क्या चीज़ें, मतलब बहुत सारे ड्रग क्लासिफिकेशन, बट मैंने यहाँ पे कुछ एनलिस्ट किया है। इसमें है एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटीज, एंटासीडेंट, एंटी एमेटिक्स। ये बेसिक ड्रग क्लासिफिकेशन है जो आप सबको पता होना चाहिए, है ना। तो एनाल्जेसिक्स क्या है, एनाल्जेसिक्स होती हैं पेन के लिए हम जो यूज़ करते हैं, ड्रग्स विच आर यूज टू रिलीफ फ्रॉम पेन, पेन को कम करने के लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो किस कैटेगरी में आती है, एनाल्जेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है एंटी पायरेटिक्स। फीवर कम करने के लिए जो ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी पायरेटिक्स, है ना। एंटी मीन्स हो गया अगेंस्ट। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मीन्स जो वायरल, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट वन है एंटीवायरल। जो वायरस इन्फेक्शन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होगी, एंटीवायरल। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हमारे बॉडी का बीपी बढ़ जाता है नॉर्मल से ज़्यादा, है ना, तो जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा रेंज हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। जनरली क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हाइपरटेंशन है ये जनरली एक एज के बाद होती है ना, आफ्टर 40। आजकल तो ड्यू टू दिस जो हमारे ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल वो चेंज हो रहा है, तो ये जनरली कम एज के पीपल्स को भी हाइपरटेंशन हो जा रहा है। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन है जनरली जिनका बीपी ज़्यादा है नॉर्मल से ज़्यादा है, उन कंडीशन में हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज रहे। नेक्स्ट हो गया एंटी डायबिटीज़। एंटी डायबिटीज़ जैसे नाम से समझ आ रहा है, डायबिटीज़ मीन्स क्या हो गया, जो भी पेशेंट डायबिटिक हैं तो उन कंडीशन में हम पेशेंट को एंटी डायबिटीज़ मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एंटासिड। एंटासिड क्या है, इन नॉर्मल लैंग्वेज में हम जो गैस की प्रॉब्लम होती है किसी भी पेशेंट को, है ना, किसी भी पर्सन को गैस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटासिड, ताकि उससे जो भी एसिडिक प्रॉब्लम हो रही हो पेशेंट की सॉल्व हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ एंटी एमेटिक्स। एंटी एमेटिक्स क्या होती है, एंटी मीन्स अगेंस्ट, एमेटिक्स मीन्स हो गया नोजिया है, वोमिटिंग से रिलेटेड है। तो अगर किसी पेशेंट को नोजिया लग रहा है, वोमिटिंग लग रही है और वो कंट्रोल नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटी एमेटिक
मेडिकेशन। तो ये क्या था, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन है, देयर इज अदर क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसके अंदर क्या आता है, टू प्रमोट द क्लाइंट्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, मतलब पेशेंट का जो हेल्थ पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो क्लास ऑफ ड्रग है वो डिवाइड किया गया है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के लिए हम लोग क्या हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी रिथमेटिक्स, एंटी एंजाइनल, एंटी कोगुलेंट, ब्रोंकियो डायलेटर्स, ये सब क्या होते हैं हमारी एक्टिविटी और एक्सरसाइज। हमारी एक्टिविटी और एक्सरसाइज अगर हम सही नहीं चल रही है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सारी बीमारियाँ होती है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, एरिथमिया है, मतलब पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो सही नहीं चल रही है, पेशेंट को कोई एंटी एंजाइनल, पेशेंट को एंजाइना है, मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोगुलेंट फैक्टर्स है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को, है ना, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ये हमारी एक्टिविटी और एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे से एक्टिव नहीं, एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं तो हम पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ये सारे मेडिकेशंस देते हैं। नेक्स्ट हो गया न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म हेल्थ पैटर्न है, और उसके लिए जो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, अगर देयर इज़ इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म तो उसके अंडर जो क्लास ऑफ ड्रग्स आता है, एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीमेटिक ड्रग्स, एंटासिड ड्रग्स, इंसुलिन हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। नेक्स्ट उन्होंने एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब अगर हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, आइदर यूरिन है या जो भी फीसेस है, स्टूल है, वो अच्छे से पास नहीं हो रहा, तो उसके बेस पे हम अच्छे से पास नहीं हो रहा मीन्स या इसका अमाउंट ज़्यादा है या कम है, उसमें कोई भी डिसबैलेंस हो रहा है, तो उसके लिए जो कैटेगरी ऑफ ड्रग है, लेक्सिटिवस है, एंटी डायरियल्स है, डायोरेटिक्स है ना। नेक्स्ट हो गया स्लीप रेस्ट कॉग्निशन एंड परसेप्शन, मतलब रिलेटेड टू हमारे स्लीप, हमारा स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, हम रेस्ट लेते हैं यानी इन बिटवीन, हमारा कॉग्निशन, थिंकिंग वगैरह, हमारा परसेप्शन, ये रिलेटेड टू हमारा कॉग्निशन हो गया। तो इसके लिए जो कैटेगरी ऑफ ड्रग है, सेडेटिव्स हो गया, हिप्नोटिक्स हो गया, एनाल्जेसिक्स हो गया, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट है कोपिंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस, जैसा मैंने बताया था कि कोपिंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस क्या हो गया कि ड्रग्स हमारे किसमें, हमारे बिहेवियर और फीलिंग्स में भी इफेक्ट करती हैं, तो उसके लिए जो ड्रग कैटेगरी है वो क्या है, एंटी एंजाइटी एजेंट्स, एंटी डिप्रेशन एजेंट्स, देन सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्शन के लिए ओवेरियन हार्मोन्स हो गया, है ना, हार्मोन्स वगैरह हम देते हैं। अगर किसी पर्सन में कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, कोई रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में जो कैटेगरी ऑफ ड्रग है वो, उसमें हार्मोन्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, जो भी हम ड्रग्स ले रहे हैं उसका हमारे बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होता है ना। तो इसमें क्या है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, एलर्जिक रिएक्शंस एंड टॉक्सिक इफेक्ट। तो सबसे पहले थेरेप्यूटिक इफेक्ट, थेरेप्यूटिक इफेक्ट मीन्स क्या है, जो डिज़ायरेबल इफेक्ट है कि जिस कंडीशन को कम करने के लिए हम ड्रग ले रहे हैं वो अपना एक्शन कर रही है या नहीं, है ना। तो थेरेपिक इफेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग। सपोज हमें फीवर है तो फीवर को कम करने के लिए हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, तो पैरासीटामोल का एक्शन क्या रहेगा कि वो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर रेज हो गया नॉर्मल से ज़्यादा, उसको कम करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। तो टेम्परेचर को कम करना पैरासीटामोल का क्या हो गया, थेरेपिटिक इफेक्ट, समझ आए। नेक्स्ट वन है एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट मीन्स अनप्रिडिक्टेबल अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे मेडिसिन ले ली, हमें पता नहीं है कि उसको मेडिसिन लेने से पेशेंट में ये सब कंडीशंस आ सकती हैं, तो क्या हो गया, कोई भी ऐसा सिम्टम जो पेशेंट में अकर हो रहा है सडनली, जो अनप्रिडिक्टेबल है, अनडिज़ायरेबल है उस पर्टिकुलर ड्रग को लेके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। मतलब थेरेप्यूटिक इफेक्ट का क्या हो गया, उल्टा है, जो है ना, मतलब जो एग्जैक्ट उस एक्शन था वो ना करके अगर वो ड्रग कुछ और एक्शन कर रही है तो वो किसके अंदर आएगा, एडवर्स इफेक्ट। नेक्स्ट वन है साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, है ना, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या होगा, प्रिडिक्टेबल ऑफन अनअवॉइडेबल। जो साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग होते हैं, हर एक ड्रग है, केमिकल सब्सटेंस है, तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही होता है, और वो पहले से प्रिडिक्टेबल होते हैं। जैसे कोई भी मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर हमें कभी कभी बता देता है ना कि ये मेडिसिन लेने के बाद आपको उल्टी हो सकती है, नौजिया लग सकता है, सर घूम सकता है, तो वो क्या है, साइड इफेक्ट, मतलब पहले से प्रिडिक्टेबल है और हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, है ना, वो होंगे ही होंगे, तो वो क्या होता है, साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट वन है टॉक्सिक इफेक्ट,
टॉक्सिसिटी मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक्सेस हो जाना बॉडी में। तो कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा में ले रहे हैं या बहुत लंबे टाइम से ले रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी पर असर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट। तो टॉक्सिक इफेक्ट क्या हो गया, प्रोलॉन्ग टॉक्सिक इफेक्ट किसके कारण होता है, प्रोलॉन्ग इनटेक ऑफ द मेडिकेशन। जैसे कोई लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहा है ना, तो वो क्या होता है, मेडिसिन भी धीरे धीरे अपना असर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कर लेती है, बहुत ज़्यादा उसका जो इफेक्ट होता है वो बॉडी में हो नहीं पाता है और टॉक्सिसिटी डेवलप होने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट। नेक्स्ट मैंने एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस जनरली अनप्रिडिक्टेबल होती हैं और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ मेडिकेशन। एलर्जिक रिएक्शन होती है इम्यूनोलॉजिकल, हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। जैसे कोई मेडिसिन लेने के बाद हमें रैशेस हो गए, खुजली हो गई, है ना, खुजली हो रही है, रैशेस हो रहे हैं, तो ये किसके अंदर आता है, एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर। समझ आए तो क्या बेसिक डिफरेंसेस इन सारी चीज़ों में। जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है, थेरेप्यूटिक मीन्स डिजायरेबल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, जिस कारण से हम उस ड्रग को ले रहे हैं वो एक्शन कर रहा है नहीं, अगर कर रहा है तो वो हो गया थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। एडवर्स इफेक्ट मीन्स क्या होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल अनडिजायरेबल इफेक्ट हैं, वो हमें पहले से नहीं पता होते हैं, वो पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को उस मेडिसिन से कुछ और ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना, तो उस पर डिपेंड करता है। एडवर्स इफेक्ट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और अनडिजायरेबल होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है, हमें नोन होता है, पहले से पता है कि ये मेडिसिन लेने से हमें ये इफेक्ट हो सकता है। और टॉक्सिक इफेक्ट क्या है कि प्रोलॉन्ग इनटेक ऑफ द मेडिकेशन, मेडिकेशन को लंबे टाइम से लेने के कारण जो भी इफेक्ट होता है बॉडी में उसको हम बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। नेक्स्ट वन आता है एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस मीन्स क्या होगा कि जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को जो अल्टर करता है ना, जैसे रैशेस हो जाना, खुजली हो जाना, है ना, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती, एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस टू अ मेडिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मेडिकेशन एक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे जो मेडिकेशन के एक्शन है वो हमारी बॉडी में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, है ना। तो सबसे इसमें फर्स्ट में है डेवलपमेंटल फैक्टर्स। डेवलपमेंटल फैक्टर्स मीन्स क्या हो गया, डेवलपमेंटल मतलब जो चीज़ें जैसे प्रेगनेंसी है, इन्फेंसी है, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज, जो हमारे डेवलपमेंटल फैक्टर्स हैं, जो क्या जो स्टेजेस हैं, जैसे प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी में हम जो प्रेग्नेंट वूमेंट होती है उसको कोई भी मेडिकेशन लेने के लिए हम मना करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई मेडिसिन लेगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट हमें नहीं पता है ना, उसके साइड इफेक्ट हमें पता है, तो प्रेगनेंसी में हम क्या करते हैं, जनरली अवॉइड करते हैं कोई भी ड्रग लेने से, ताकि इसका इफेक्ट उसकी प्रेगनेंसी में ना पड़े और बच्चा जो हेल्दी डिलीवर हो, है ना। नेक्स्ट वन हो गया इन्फेंसी, कोई बच्चा छोटा है या इन्फेंट है तो उसमें जो अमाउंट ऑफ ड्रग है ना, जो रूट ऑफ ड्रग है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। और इसी तरीके से जो एब्जॉर्प्शनल ड्रग है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म है, वो सारी प्रोसेसेस भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। देन एडोलसेंट, एडल्टहुड और ओल्ड एज में, तो एज के अकॉर्डिंग जो मेडिकेशन होती है उनका इफेक्ट बॉडी में अलग अलग होता है, एज के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ ड्रग होता है वो अलग अलग होता है ना। तो इन सब चीज़ों पर भी जो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन है उन पर भी डिपेंड करता है हमारा ड्रग का एक्शन। नेक्स्ट वन हो गया मेल एंड फीमेल, है ना, तो मेल एंड फीमेल में भी क्या है कि हार्मोनल डिस्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ ड्रग्स क्या होती है मेल पे इफेक्ट करेंगी, कुछ ड्रग्स फीमेल पे इफेक्ट करेंगी, या किसी ड्रग का एक्शन मेल पे ज़्यादा होगा, किसी ड्रग का एक्शन फीमेल पे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वन है कल्चरल, इथिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स, है ना। कल्चरल, इथिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स क्या हो गया, ये रिलेटेड है कि जेनेटिक मेकअप कैसा है ना, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर हमारे फैमिली में किसी को पहले से डायबिटीज़ है तो हो सकता है कि हमें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है ड्रग का एक्शन क्या है बॉडी में। नेक्स्ट होगा डाइट, हम डाइट कैसे ले रहे हैं, अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी पावर सही होगी, इम्यूनिटी पावर सही होगी तो कोई भी ड्रग है उसका जो भी डिज़ायरेबल एक्शन है वो ईजिली हमारी बॉडी पर हो सकता है, है ना। नेक्स्ट वन है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो गया, जैसे लाइक टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर हो गया, या किस इन्वायरमेंट में हम है, लाइक अगर हम किसी पेशेंट को कोई सेडेटिव ड्रग दे रहे हैं ना, अगर तो उसके आसपास का माहौल क्विक है, क्वाइट है, शांति हो रही है वो, और
काम क्वाइट अंधेरे में है वो सही जगह पे है, मतलब क्वाइट इन्वायरमेंट है। तो सेडेटिव ड्रग क्या होती है, अपना एक्शन और अच्छे से शो करेगी। तो जो एक्शन और ड्रग है वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हो गया साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल क्या हो गया, साइकोलॉजिकल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि डॉक्टर भी, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी, अगर हम किसी पेशेंट, अगर कोई मेंटली ही प्रिपेयर नहीं उस चीज़ के लिए, तो उसका जो भी डिजायरेबल एक्शन है ड्रग का वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है ना। तो इसलिए हमें बात बात पर पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते रहना है, ताकि जो डिजायरेबल एक्शन ऑफ ड्रग है वो हमें पेशेंट तक पहुँच सके। नेक्स्ट हो गया इलनेस एंड डिजीज़। इलनेस एंड डिजीज़ क्या है कि अगर ऑलरेडी पेशेंट को कोई डिजीज़ कंडीशन है ना, या पेशेंट का कोई भी सिस्टम फैक्टर लाइक किडनी अफेक्टेड है, लीवर अफेक्टेड है, तो जो भी ड्रग्स हम देंगे पेशेंट को, उससे उसका एक्शन भी ऑल्टर हो सकता है ना। नेक्स्ट वन है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पे हम पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो राइट टाइम, जैसे राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो टाइम बहुत सही होना चाहिए, जिस टाइम पर भी पेशेंट को हम जो भी दे रहे हैं मेडिसिन, उसका टाइम हमें एग्जैक्ट टाइम पर हमेशा हमें देने हैं, क्योंकि जब हम सही टाइम पे देंगे, राइट टाइम पे देंगे, तभी वो ड्रग होगी अपने एक्शन को अच्छे से कर सकती है। नेक्स्ट है, अब हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं, लास्ट में हमें देखना है कि व्हाट आर द सेफ्टी इन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, किन किन चीज़ों की हमें ध्यान देना है जब हम किसी पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले द सेफ एंड एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। ठीक है, तो इसके अंदर सारी जो तुम्हारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स वाइल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन या आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन है ना, या ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स हमें अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट वन, रीड एंड द फिजिशियंस ऑर्डर ऑफ द ड्रग। सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रग देने से पहले हम पेशेंट की फाइल में जाके फिजिशियन के ऑर्डर को रीड करेंगे कि कौन सी मेडिकेशन जो डॉक्टर है उन्होंने पेशेंट के लिए एडवाइस किए है ना। सेकंड वन, इफ़ द ऑर्डर इज नॉट क्लियर कंसल्ट द फिजिशियन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें राइटिंग समझ नहीं आ रही है या ऑर्डर हमें प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा है, तो हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। हमें डायरेक्ट जाके जिस भी फिजिशियन या कंसल्टेंट ने लिखा है उससे जाके हमें क्रॉस चेक करना है, पूछना है कि ये क्या मेडिसिन यहाँ पे लिखी है ना। क्योंकि अगर हम गलत ड्रग पेशेंट को देंगे तो इससे पेशेंट के हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट वन, कंसिडर द एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट। अगेन, जब भी हम पेशेंट को ड्रग दे रहे हैं तो पेशेंट की एज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एज के ऊपर डिपेंड करता है कि किस अमाउंट में हमें पेशेंट को देनी है ना। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट की वेट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पेशेंट को क्या करनी होती है, ड्रग प्रोवाइड करानी होती है। नेक्स्ट वन, द नर्स मस्ट हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द ड्रग दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द हर। जैसे राइट ऑफ एजुकेशन था, तो राइट ऑफ एजुकेशन, राइट एजुकेशन आप कब दे सकते हो, जब आपको उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज होगा। तो इसलिए जो भी ड्रग आप देने जा रहे हो उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर पेशेंट कुछ पूछ ले तो आप उसको इजीली एजुकेट कर सको। नेक्स्ट वन, लुक फॉर द कलर ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ड्रग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा हमें 3 चेक्स करने थे कि जब हम ड्रग को उसके कंटेनर से निकाल रहे हैं तो उस टाइम पे हमें चेक करना है कि कहीं से उसमें लीकेज तो नहीं हो रही है, ड्रग जो भी हम दे रहे हैं उसका कोई कलर वगैरह चेंज तो नहीं है, ऑर्डर कंसिस्टेंसी में कोई चेंज तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हो सकता है कि वो ड्रग एक्सपायर हो है ना। तो ड्रग एक्सपायर हो सकती है तो वो ड्रग हमें एडमिनिस्टर नहीं करनी है। नेक्स्ट, फॉलो 10 राइट्स एंड 3 चेक्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जो मैंने बिफोर स्लाइड्स में आपको बताया था कि जो 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें फॉलो करना है, सेकेंडली जो 3 चेक्स थे वो सब चीज़ों को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द ड्रग डोजेस एक्यूरेटली। हमें जो ड्रग है उसकी डोज को एक्यूरेटली क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट हमें ड्रग कैलकुलेशन करना है कि कितने अमाउंट में हमें ड्रग देनी है ना, वो सब चीज़ों का हमको ध्यान देना है। आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली। अब इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि पेशेंट, राइट पेशेंट को आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, किस पेशेंट को आपको मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व फॉर द सिम्टम्स ऑफ ओवर डोजेज ऑफ द ड्रग बिफोर इट इज़ एडमिनिस्टर्ड। और पेशेंट को मतलब सारी चीज़ें हमें बतानी कि अगर ये ड्रग अगर पेशेंट ले रहा है तो इससे उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उन चीज़ों की पेशेंट को हमें नॉलेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, गिव द ड्रग वन बाय वन, और एक के बाद एक, ये नहीं कि एक ही साथ सारी ड्रग हमें पेशेंट को देनी है, वन बाय वन थोड़ा टाइम इंटरवल लेके हमें ड्रग को प्रोवाइड कराना है। स्टे विद द पेशेंट अंटिल ही हैज़ टेकन द मेडिकेशन कम्प्लीटली।
तो हमें जब तक पेशेंट पूरी दवाइयाँ खुद से नहीं ले लेता या पेशेंट अगर नहीं ले रहा है, जब तक पेशेंट दवाई नहीं खा रहा है तब तक हमें पेशेंट के पास रहना है। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में है तो इससे इरिटेशन होती है, तो कभी कभी पेशेंट को जब हम मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट क्या करता है, मेडिसिन नहीं लेता और फेंक देता है ना। और अगर हम और पेशेंट से हम पूछते हैं आपने मेडिसिन खा ली, तो पेशेंट का आंसर क्या होता है, हाँ मैंने मेडिसिन खा ली। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें पेशेंट के पास में ही रहना है जब तक वो पेशेंट मेडिसिन पूरा ना ले लें। नेक्स्ट, डू नॉट लीव द मेडिसिन विद द पेशेंट। और पेशेंट हमें पेशेंट के पास में रहना है जब तक खाता नहीं पेशेंट, और पेशेंट के पास में मेडिसिन को ऐसे नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट वन, द नर्स शुड ऑलवेज असिस्ट अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड ऑब्टेन अ मेडिकेशन हिस्ट्री प्रायर टू गिविंग एनी मेडिकेशन। तो इसमें जो सेफ्टी मेजर है उसमें वही सारी चीज़ें हैं कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, जहाँ से भी हमने मेडिसिन या ड्रग ली, जिस भी कैबिनेट से, जिस भी कबर्ड से ली है, उस सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पूरा पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट करना है, हेल्थ स्टेटस लेना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, ड्रग हिस्ट्री की, पेशेंट को इस पर्टिकुलर ड्रग से कोई एरर, कोई क्या बोलते हैं, एलर्जी तो नहीं है, है ना, कोई और अदर प्रायर इन्फॉर्मेशन पेशेंट के, मीन्स कंप्लीट हिस्ट्री पेशेंट की लेनी है, उसके बाद ही हमें उसको पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड कराना है। द मेडिकेशन हिस्ट्री इंक्लूड्स, मेडिकेशन हिस्ट्री के अंदर क्या आता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द ड्रग द क्लाइंट इज टेकिंग करेंटली और हैज़ टेकन रिसेंटली एंड द हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जीज, जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। द नर्स शुड क्लैरिफाई विद द क्लाइंट इट्स साइड इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस, जो भी नर्सिंग एलर्जिक रिएक्शंस, वो सारी चीज़ों को हमें पेशेंट को बताना है और पेशेंट के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या है, द नर्स हैज़ टू आइडेंटिफाई एनी प्रॉब्लम द क्लाइंट मे हैव इन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन। तो जब हम जब हम ओरल मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पेशेंट अगर कैपेबल है तो हम उसको दे देते हैं ना। तो अगर पेशेंट नहीं ले पा रहा है या पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीज़ों को हमें पेशेंट के लिसन करना और आइडेंटिफाई करना और उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ द क्लाइंट इज पुअर इन आई साइड में रिक्वेस्ट स्पेशल लेबल्स फॉर द मेडिकेशन कंटेनर। जैसे क्या है, ओल्ड एज पीपल्स अगर उनकी आई साइड वीक है तो वो मेडिसिन को पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से या मेडिसिन को अच्छे से ले नहीं पाएंगे, तो उस टाइम पे हमें उनकी हेल्प करनी है मेडिसिन को लेने के लिए। द नर्स नीड्स टू कंसिडर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर ऑल दी क्लाइंट। एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ नर्स हमारा रोल है कि हमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है अपने पेशेंट में, भले वो पुअर पेशेंट है, रिच पेशेंट है, भले वो उसका कलर कैसा है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, इन सब चीज़ों को हमें मैटर नहीं करना है। बस हमारे लिए पेशेंट क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें रखने हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग हमें उससे टॉक करना है और हर एक पेशेंट के बीच में कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी है, हमें हर एक पेशेंट को सेम ट्रीट करना है। नेक्स्ट है, मेडिकेशन एरर मस्ट बी रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द हॉस्पिटल। और कोई अगर मेडिकेशन एरर आ रहा है तो उसको हमें रिपोर्ट करना है एज पर द पॉलिसी ऑफ द हॉस्पिटल। सो ये कहती है जनरल सेफ्टी मेजर्स जो हमें फॉलो करने हैं एज अ नर्स जब हम पेशेंट को कोई भी ड्रग दे रहे हैं, ड्रग देने से पहले या ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। तो यहाँ पे मैंने आपको एक निमोनिक दिया है, एक निमोनिक टिप्स है कि जब एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन चेकलिस्ट है कि जब हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो उस टाइम पे एक स्मॉल चेकलिस्ट है, ये है ट्रैम्प, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रैम्प मीन्स हो गया टी मीन्स टाइम, आर मीन्स रूट, ए मीन्स अमाउंट एंड डोज, एम मीन्स मेडिकेशन एंड पी मीन्स पेशेंट। तो टाइम इज चेक द ऑर्डर फॉर व्हेन इट वुड बी गिवन एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम इट वाज गिवन। हमें टाइम का ध्यान देना है कि किस टाइम पे हमें पेशेंट को मेडिसिन दे रही हो, लास्ट क्या टाइम था जब हमें पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड की थी। देन रूट हो गया, किस रूट से हमें देना है, ओरली देना है, आई एम इंजेक्शन देना है या सबक्यूटेनियस देना है, है ना, जो भी रूट है उसको हमें देखना है। नेक्स्ट हो गया अमाउंट कि किस अमाउंट पर हमें पेशेंट को वो मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है, एग्जैक्ट अमाउंट में ही हमें पेशेंट को देना है। नेक्स्ट हो गया एम फॉर मेडिकेशन, एम मेडिकेशन मतलब कौन सी मेडिसिन हमें पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट हो गया पी फॉर पेशेंट कि कौन सा हमारा पेशेंट है जिस पेशेंट को हमें वो पर्टिकुलर मेडिकेशन प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो ये क्या था अबाउट कि ड्रग क्या है, ड्रग कैसे हमें एडमिनिस्टर करना है, क्या प्रिंसिपल्स है बिहाइंड ड्रग, ड्रग का इफेक्ट क्या है हमारी बॉडी में, और एज अ नर्स तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब पेशेंट को तुम लोग ड्रग प्रोवाइड करा रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और आपकी जो भी क्वेरी होगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं हर एक आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, जो भी आपकी क्वेरी है उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।